हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो अमेरिकन कंपनी द्वारा इंडिया में आई थी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं शेवरले टवेरा की। और शेवरले कंपनी की कुछ ही गाड़ियां हैं जिनको इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसी में से एक है हमारी शेवरले टवेरा, जो एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल यानी MPV के तौर पर इंडिया में आई थी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं शेवरले टवेरा के बारे में। तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। जनरल मोटर्स USA का ही जॉइंट वेंचर था शेवरले। शेवरले इंडियन कस्टमर्स को कई सालों से समझने की कोशिश करता आया है कि उन्हें एक गाड़ी में क्या चाहिए, और शेवरले ने उसे समझा और जाना कि इंडियन कस्टमर्स को ऐसी कार चाहिए जो रिलायबल हो और बेटर फ्यूल इकोनॉमी दें और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू फॉर मनी हो। और ये सब समझ कर ही उन्होंने कुछ कार्स लॉन्च करी थी इंडिया में, जैसे शेवरले ओप्ट्रा, शेवरले सेल, शेवरले बीट और शेवरले क्रूज। और उसी में से ही एक गाड़ी आती है शेवरले टवेरा, जो 2004 में इंडिया में लॉन्च हुई थी। और शेवरले टवेरा को आप इसुजू पैंथर का एक रीबैज्ड वर्जन भी कह सकते हो, जो इंडोनेशिया मार्केट में सोल्ड होता था, और इसे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में डिफरेंट नेम के साथ भी बेचा जाता था, जैसे इसुजू AUV, इसुजू हाईलैंडर और इसुजू क्रॉसविंड। और ये वैसे भले इंडिया में एक अमेरिकन कंपनी द्वारा बेची जाती थी, लेकिन इसकी बुनियाद तो जैपनीज ही थी। और इसका नाम टवेरा एक छोटी फ्रेंच विलेज पर पड़ा है जो कोर्सिका में है, जहाँ के रास्ते काफ़ी स्टिप और कर्वी हैं, जहाँ पर इसुजू के CEO अपने व्हीकल्स को टेस्ट करते थे। और शेवरले टवेरा का मेन कंपटीशन इंडिया में टोयोटा की क्वालिस थी, जो बाद में इनोवा में बदल गई। क्योंकि जब शेवरले टवेरा इंडिया में लॉन्च हुई 2003 में, तो तब तक टोयोटा की तरफ से क्वालिस ही बिक रही थी। फिर इसके 2 साल बाद ही टोयोटा ने 2005 में अपनी इनोवा को लॉन्च करा, जिससे टवेरा का कॉम्पिटिशन इनोवा बन गई, और महिंद्रा की बोलेरो और टाटा की सुमो से भी इसका कॉम्पिटिशन था। और शेवरले टवेरा को जनरल मोटर्स के प्लांट जो हलोल बड़ौदा में था, वहीं असेंबल किया जाता था। और टवेरा को टैक्सी बिजनेस और टूर एंड ट्रैवल्स में काफ़ी पसंद किया गया, क्योंकि ये 8 सीटर, 9 सीटर और 10 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल थी। और अगर इसे हम क्वालिस से कंपेयर करें तो ये थोड़ी अच्छी थी क्वालिस से मेरे कंपेरिजन में, तो क्योंकि टवेरा 0 से 60 km/h की स्पीड तक जाने में सिर्फ 9.09 सेकेंड्स लेती थी, और जबकि टोयोटा की क्वालिस 0 से 69.46 सेकेंड्स में पहुँचती थी। और 0 से 100 की स्पीड सेवी की टवेरा 23.36 सेकेंड्स में पहुंचती थी, वहीं टोयोटा क्वालिस 0 से 100 24.23 सेकेंड्स में। तो आप भी अपनी राय बताएं, अगर आपको क्वालिस और टवेरा में से एक गाड़ी चूज़ करनी होती तो आपकी पसंद कौन सी होती। और मैंने ऐसी वीडियो टोयोटा क्वालिस पर भी बनाई है, जिसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडिया में टवेरा के 2 वर्जन बिकते थे, द ओरिजिनल टवेरा जो बेस मॉडल्स थे जिसमें 2 ट्रिम्स थी, B1 एंड B2, और टवेरा नियो 2 जिसमें वेरिएंट थे LSB3, LSB4, LTL और हाई एंड SSD1 मॉडल। फिर 2006 सितंबर में शेवरले टवेरा का फेसलिफ्ट लेकर आई, जिसमें फ्रंट ग्रिल में और इंटीरियर्स में चेंजेस थे। उसके बाद 2012 में इसका फिर से एक और फेसलिफ्ट आया टवेरा नियो 3 नाम से, जिसमें इस बार इसमें 2 डीजल इंजन ऑप्शन थे, 2.5 लीटर का जो 2499 cc का डीजल इंजन था, और 2.0 लीटर का जो 1994 cc का डीजल इंजन था, जो सोनालिका की कार राहिनो से लिया गया था, जिसे ICML एक्सट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। टवेरा का 2.5 लीटर वाला इंजन 78 bhp की पावर और 186 nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और टवेरा की टॉप स्पीड 140 km/h की थी। कॉन्ट्रोवर्सी। लेकिन क्या आपको पता है शेवरले को टवेरा की 114,000 यूनिट्स वापस बुलानी पड़ी थी 2013 में, क्योंकि उन्हें एग्जॉस्ट एमिशन टेस्ट में फेल कर दिया गया था और इरेगुलरिटीज पाई गई थी, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ ने इसमें झोलमझाल करा था। और जब ये सब हुआ था तो बहुत सी बातों का खुलासा हुआ था उस टाइम, जैसे कि उन्होंने 2003 और 2004 के बाद से ही अपनी टवेरा में BS2 से BS3 एमिशन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए भी घोटाला किया था। और उस समय कंपनी के सोर्सेज से पता चला था कि जनरल मोटर्स के पास अपने 2.5 लीटर इसुजू इंजन के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने फ्यूल इंजेक्शन पंप को अपग्रेड करना चाहिए था, क्योंकि उनका फ्यूल इंजेक्शन पंप थोड़ा आउटडेटेड हो गया था, लेकिन वो एक महंगा कंपोनेंट था। लेकिन उन्होंने सिर्फ बेटर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया बिना फ्यूल पंप चेंज करे, जिससे उन्हें एक गाड़ी पर $1700 बच रहे थे। इसलिए उन्होंने सस्ता रास्ता चूज करा BS3 एमिशंस तक पहुंचने के लिए,
लेकिन सिर्फ अकेला कैटेलिटिक कन्वर्टर कामयाब नहीं रहा एमिशंस को कंट्रोल करने में, इसलिए उन्हें 114,000 टवेरा को रिकॉल करना पड़ा था। उसके बाद जनरल मोटर्स ने स्ट्रिक्ट कदम उठाए और उन सबको नौकरी से निकाल दिया जो जो इसके पावर ट्रेन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे। टोटल 25 एम्प्लॉइज को जनरल मोटर्स इंडिया ने फायर करा था, क्योंकि ये सब जो हुआ वो वर्ल्ड वाइड इंटीग्रिटी पॉलिसी के खिलाफ था और इन्हें 2.3 करोड़ रुपीस का फाइन भी देना पड़ा। और ये रिकॉइल इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट व्हीकल रिकॉइल था। इसकी वजह से बहुत से कस्टमर्स का भरोसा उड़ गया था शेवरले से। लेकिन कुछ भी कहो, इसका इंजन था बड़ा दमदार। लोगों ने शेवरले टवेरा से लाखों किलोमीटर्स का सफर तय करा, फिर भी इसके इंजन में वो ताकत बरकरार रहती जैसे एक ब्रांड न्यू कार की थी। और ये पहले सेल्फ में ही आसानी से स्टार्ट हो जाती थी, ये भी इसकी एक खासियत ही थी जिससे इसके इंजन की स्पेशियलिटी का पता चलता है। और जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके एमिशंस को लेके, उसके बाद भी शेवरले टवेरा सबकी पसंद थी और लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था। वैसे 2017 के बाद से तो शेवरले इंडिया से चली गई, लेकिन इसकी गाड़ियां अभी भी दिल को भाती हैं। जैसे शेवरले क्रूज को ही ले लो, जो चलता फिरता जहाज था जिसकी प्रीमियम सेडान में अपनी अलग ही रोड प्रेजेंस थी। और क्या आप भी चाहते हैं कि शेवरले को इंडिया में रहना चाहिए था या फिर से वापस आ जाना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता हमको शेवरले कैमरो देखने को मिल जाती जिसे फोर्ड अपनी मस्टैंग लेकर आया है इंडिया में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।